अब फ्रेंड्स, ये सेशन के अंदर हम लोग लायबिलिटी साइड के कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक समय पर हम लोग एक लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वन बाय वन हमने लेजर्स क्रिएट किए थे। अब टैली के अंदर आप एक साथ सिंगल ग्रुप में मल्टीपल लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं सिलेक्ट करूंगा कैपिटल ग्रुप में इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ये जो दो लेजर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इसे मैं क्रिएट करूंगा यूजिंग मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सो अगेन, गेटवे ऑफ टैली पर मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद लेजर्स, और यहाँ पर सिंगल लेजर में क्रिएट की जगह मैं डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा मल्टीपल लेजर्स एंड देन क्रिएट। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप डिफाइन करना है, तो मैं अभी कौन से ग्रुप के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो कैपिटल। सो मैं प्रेस करूंगा कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हाईलाइट हो चुका है एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हमें पूछ रहा है नेम ऑफ लेजर, तो मैं टाइप करूंगा इक्विटी। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया ₹4 लाख, अगेन एंटर, अगेन एंटर। उसके बाद सेकंड लेजर प्रेफरेंस, सो मैं टाइप करूंगा प्रेफरेंस, अगेन एंटर, और इसका बैलेंस है ₹1 लाख 90,000, एंड अगेन एंटर, एंटर। अब फ्रेंड्स, ये ग्रुप के अंदर तीसरा लेजर नहीं है, उसके बाद के लेजर्स का ग्रुप चेंज हो जाता है। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने दोनों लेजर्स को क्रिएट कर लिया, उसके बाद थर्ड लेजर नहीं है, इसीलिए एंटर करके हमें स्किप कर देना है, और उसके बाद एक्सेप्ट। उसके बाद लेजर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें पहला दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे भी हमें स्किप कर देना है। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व एक ही लेजर बचा है, तो मैं सिंगल लेजर का क्रिएशन करूंगा, सिंपली एंटर, जनरल रिजर्व, अगेन एंटर। कौन से ग्रुप में आएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो मैं सिलेक्ट करूंगा आर, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अगेन एंटर मारते हुए आपको आना है ओपनिंग बैलेंस पर, इसका बैलेंस है ₹75,000, सो 75,000, एंटर एंटर, एंड अगेन एक्सेप्ट। अगेन एस्केप करके मैं आ जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का ग्रुप है, और उसमें दो बैंक अकाउंट्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI। सो अगेन अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, और अगेन यहाँ पर जाके मैं सेलेक्ट करूंगा मल्टीपल लेजर्स एंड देन क्रिएट। सबसे पहले मल्टीपल लेजर में हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, ग्रुप का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैं प्रेस करूंगा बी, और यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड आइटम बैंक ओडी, बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रेस एंटर। उसमें सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस 25,000, अगेन एंटर। उसके बाद ICICI, इसका भी बैलेंस है 25,000, सो ICICI, एंटर, एंड इसका बैलेंस है 25,000, अगेन एंटर, 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 एंड एक्सेप्ट। अगेन एस्केप एस्केप करते हुए मैं आ जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद दिया गया अनसिक्योर्ड लोन HDFC म्यूचुअल फंड, सो ये सिंगल लेजर है, तो अगेन अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। सो इसे सिंगल लेजर क्रिएट करना है हमें, HDFC म्यूचुअल फंड, अंडर ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन, तो मैं यू प्रेस करूंगा, यू से एक ही ग्रुप है, सिलेक्ट करके एंटर, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, जो कि है 70,000, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम आगे के सेशन में कवर करेंगे। दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल लेजर्स। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप हमारी वेबसाइट www.tallytraining.in पे फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए, और आगे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे दी गई लिंक पे सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून, हैप्पी लर्निंग।